नमस्कार, आपका अपना चैनल आरवी नई कहानियां में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री कृष्णा और राधा रुक्मणी की प्रेम कहानी। श्री कृष्ण को क्यों अति प्रिय थी देवी रुक्मिणी, जाने दोनों की प्रेम कथा। जब हम प्रेम की परिभाषा के बारे में बात करते हैं तो जहन में केवल एक ही तस्वीर उभरती है, जो है श्री राधा कृष्ण की। हमने दोनों के प्रेम प्रसंग से जुड़ी अनेकों कथाएं सुनी हैं, मगर सारा जगत इस बात को भी जानता है कि श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की कभी धर्म पत्नी नहीं बन पाई थी। हालांकि ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह कराया था, मगर और किसी भी वेद पुराण में इस बात के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। वेद पुराणों और साहित्य पर विश्वास किया जाए तो श्री कृष्ण की 8 रानियां थी जिनसे उन्होंने विधिपूर्वक विवाह किया था, और इन 8 रानियों में सबसे पहली रानी रुक्मिणी देवी थी। देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण की शादी की कथा बेहद रोचक है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर श्री कृष्ण और रुक्मिणी मिले कैसे थे और कैसे दोनों का विवाह हुआ था। कौन थी देवी रुक्मिणी जाने? विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मिणी था। राजा भीष्मक अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे और उनके विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में थे। इस विषय में राजा भीष्मक के सबसे करीबी मित्र एवं महाभारत कालीन मगध राज्य के नरेश जरासंध को भी पता था। जरासंध को उस वक्त का शक्तिशाली राजा माना जाता था, और ऐसा भी कहा जाता था कि जरासंध का वध कोई नहीं कर सकता है। जरासंध देवी रुक्मिणी को अपनी पुत्री जैसा ही मानते थे, और इसलिए वह खुद भी रुक्मिणी के लिए योग्य वर की तलाश में थे। मगर रुक्मिणी के मन में शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई थी। बड़े बड़े महारथी को परास्त करने वाले श्री कृष्ण की कथा रुक्मिणी कई लोगों के मुंह से सुन चुकी थी। देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के विषय में सुनकर ही ये तय कर लिया था कि वो उन्हीं से विवाह करेगी। मथुरा के राजा कंस को झटके में ढेर करने के बाद तो श्री कृष्ण की ख्याति और भी बढ़ गई थी। उनकी वीरता के चर्चे चौतरफा गूंज रहे थे। मगर वहीं श्री कृष्ण ने कंस का वध करके बहुत से राज्यों को अपना दुश्मन भी बना लिया था, जिसमें से एक था मगध का राजा जरासंध। दरअसल कंस जरासंध का दामाद था, और इसलिए वह श्री कृष्ण से घृणा करता था। जब जरासंध को इस विषय में ज्ञात हुआ कि रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम है, तो देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के साथ मिलकर जरासंध ने छेदी नरेश शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। मगर विधि को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह विवाह कभी हो ही नहीं सका। श्री कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कथा। रुक्मिणी ने अपने पिता को ये बात पहले ही बता दी थी कि वो विवाह केवल श्री कृष्ण से ही करेगी, क्योंकि वह मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी हैं। ऐसे में रुक्मिणी के पिता ने भी उन्हें सहयोग देने की ठान ली। मगर जरासंध और देवी रुक्मिणी के भाई को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन्होंने राजा भीष्मक और राजकुमारी देवी रुक्मिणी को कारागार में डाल दिया। कारागार में बंदी बने हुए ही देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की सखी एवं बरसाने की रानी देवी राधा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और उनके पिता को बंधक बना लिया गया है, और वह चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए स्वयं विदर्भ राज्य पधारें। श्री राधा रानी को जब ये पत्र मिला तो उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से देवी रुक्मिणी की मदद करने का आग्रह किया। इस बात से श्री कृष्ण पहले ही वाकिफ थे कि देवी रुक्मिणी को यदि वो बचाने गए तो उन्हें उनसे विवाह भी करना पड़ेगा। मगर सखी राधा के आग्रह पर उन्हें विवशता पूर्वक देवी रुक्मिणी को बचाने के लिए जाना पड़ा।
श्री कृष्ण जब विदर्भ देश पहुँचे तो वहाँ देवी रुक्मिणी का स्वयंवर चल रहा था। कृष्ण और देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के बीच भयानक द्वंद्व हुआ। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन भी उठा लिया था, मगर देवी रुक्मिणी के आग्रह पर उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया। भरी सभा में देवी रुक्मिणी को अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गए। रुक्मिणी तो पहले ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। इस बात को श्री कृष्ण भली भांति समझते थे और इसलिए अपहरण के बाद जब वो श्री कृष्ण का रथ गुजरात राज्य के छोटे से गांव माधवपुर घे पहुंचा, तो वहां श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से विवाह कर लिया। आपको बता दे कि आज भी माधवपुर में माधव राया जी मंदिर है, जहां हर वर्ष आज भी रामनवमी के अवसर पर विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। रुक्मिणी से विवाह के बाद श्री कृष्ण उन्हें अपनी द्वारका नगरी ले गए, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। कृष्ण रुक्मिणी से जुड़ी अन्य कथा। पद्म पुराण के मुताबिक देवी रुक्मिणी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। बचपन में ही उनका विवाह हो गया था और युवावस्था में ही वह विधवा हो गई थी। पति को खोने के बाद ब्राह्मणी भगवान विष्णु की पूजा में समय बिताने लगी। ब्राह्मणी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मणी ने अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पत्नी बनने की इच्छा जताई। इस तरह रुक्मिणी के अवतार में ब्राह्मणी को श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी। कृष्ण और राधा का प्रेम भक्त और भगवान के अलौकिक प्रेम की कथा है। गोकुल के कान्हा और बरसाने की राधा का प्रेम हिंदू आध्यात्मिक जगत के प्रेम तत्व का प्रतिनिधि है। कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो राधा खींची चली आती। कृष्ण अपनी राधा से मिलने बरसाने जाते और राधा अपनी सखियों के साथ कृष्ण के दर्शन करने यमुना किनारे आती। ग्वाल बाल मंडली के साथ कृष्ण होली खेलने बरसाने जाते और राधा की सखियां डंडों से कृष्ण सखाओं की खूब खबर लेती। वृंदावन का पत्ता पत्ता बूटा बूटा उनके प्रेम का साक्षी है। रास रचया ने ही वृंदावन के अरण्यों में ही रास रचाया, जहां से राधा और कृष्ण का अलौकिक प्रेम पूरे विश्व में व्याप्त हो गया। कृष्ण गोकुल छोड़ मथुरा में आ गए। राधा और कृष्ण अलग हुए, लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए। राधा के हृदय में कृष्ण इस तरह बसे हुए थे कि राधा जब भी उनका स्मरण करती वे उपस्थित हो जाते हैं। उनके प्रेम की पराकाष्ठा ही थी कि मथुरा के लोग कृष्ण को प्राप्त करने के लिए राधा नाम जपने लगे। कहने लगे, राधा राधा रटो, चले आएंगे बिहारी। राधा जी को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए उद्धव जी वृंदावन पहुंचे तो उन्हें राधा ही नहीं हरेक गोपी के साथ कृष्ण के साक्षात्कार हुए। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा कोई साधारण प्रेम कथा नहीं है। कृष्ण इस जगत का प्रतीक है तो राधा प्रकृति का। कृष्ण भुवन प्रकाश है तो राधा शक्तिमती। कृष्ण और राधा की कथा सिर्फ प्रारंभ की कथा नहीं है, ये कथा निरंतर है। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और कृष्ण द्वारिका में रहने लगे तो एक बार राधा जी उनसे मिलने के लिए आई। रुक्मिणी जी ने राधा जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उन्होंने राधा जी की बहुत आवभगत की। जब उन्हें दूध देने की बारी आई तो दूध कुछ ज्यादा गर्म हो गया, जिससे राधा जी का मुंह जल गया। जब वे यह बात कृष्ण को बताने गई तो क्या देखती हैं कि कृष्ण के सारे शरीर पर फफोले हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम अनंत प्रेम का उदाहरण है। प्रेम इतना विराट और गहरा था कि कृष्ण राधा हो गए और राधा कृष्ण हो गई। दोनों के बीच का भेद ही समाप्त हो गया।
कृष्ण सिर्फ कृष्ण नहीं रहे, वे राधा वल्लभ हो गए। कौन है राधा जाने। हम सभी ने राधा को कई मंदिरों में श्री कृष्ण के साथ देखा है और जानते हैं कि वे प्रेम का सबसे शुद्ध रूप हैं। हम जानते हैं कि कृष्ण और राधा दिव्य प्रेमी हैं, लेकिन हम में से कई यह नहीं जानते कि राधा कौन थे और कृष्ण के नंदगांव छोड़ने के बाद उनके साथ क्या हुआ। नंदगांव छोड़ने के बाद क्या कृष्ण उससे मिले थे? उन्होंने धरती को कैसे छोड़ा? इन प्रश्नों के उत्तर बहुत स्पष्ट नहीं है कि राधा कौन था और वह इस धरती पर कैसे आई और क्यों। इस संदेह का कारण यह है कि राधा के बारे में हमारे पौराणिक ग्रंथों या पुराणों में बहुत कम जानकारी है। महाभारत, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत और हरिवंश जैसे किसी भी प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में राधा का उल्लेख नहीं किया गया है। पहली बार जयदेव ने गीत गोविंद में उनके बारे में लिखा। इसके बाद निम्बार्क संप्रदाय ने लोगों को उनके बारे में प्रचार करना शुरू किया। इससे पहले किसी भी मंदिर में कृष्ण के साथ राधा की पूजा नहीं की गई थी। राधा का सबसे पहला उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है, लेकिन इसमें ये जानकारी नहीं दी गई है कि वे कौन थीं। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, इसका उल्लेख भी नहीं किया गया है। कहते हैं कि गोकुल में एक बार जब कृष्ण के परम मित्र सुदामा उनसे मिलने आए तो राधा जी ने कृष्ण को सुदामा से मिलने से रोक दिया। इससे सुदामा जी नाराज हो गए और उन्होंने राधा जी को श्राप दिया कि वे मृत्युलोक में कृष्ण के साथ जन्म लेंगी और उन्हें कृष्ण के विरह की वेदना को झेलना होगा। सुदामा का श्राप फलित हुआ और भाद्रपद अष्टमी, जिसे राधाष्टमी भी कहते हैं, को राधा जी का जन्म हुआ। उनका जन्म बरसाना गांव में हरने वाले वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति के घर में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मां का नाम कमलावती भी बताते हैं। कहा जाता है कि वृषभानु जब यमुना में स्नान कर रहे थे तो कमल के पंखुड़ियों में नवजात राधा जी उन्हें मिली थी। राधा जी के बारे में ये कहा जाता है कि जब कृष्ण ने मृत्यु लोक का त्याग किया तब उन्होंने राधा जी का अपने वामांग यानी बाएं हिस्से में समाहित कर लिया।